आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीरी पुलिस सरकार के लोग विरोध कर रहे थे, आक्रोश दिखा रहे थे और आज आप देख सकते हैं योजना कट के लोग यहाँ तिरंगा हाथ में लिए हुए विरोध प्रदर्शित जा रहे, आवाज उठा रहे, जैसे कि कब तक ये मारकाट का और वोट का सिलसिला जारी रहेगा। और देखिए हाथ में इन्होंने पूरन भट्ट की तस्वीर है, हाथ में तिरंगे लिए और एक ही आवाज दी जा रही है कि कब तक ये निर्मम हत्याएं होती रहेगा, क्योंकि ये मारकाट का सिलसिला 94 में शुरू हुआ था, अभी भी जारी है। चाहते हैं कि ये सिलसिला बिल्कुल यहाँ पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे छुपाने वाले, जो बाहर से आने वाले, उनको रास्ता बताने वाले, इनको वेपन देने वाले, उनकी प्रॉपर्टी को हम अटैच करने का प्रयास नहीं करेंगे। और वो प्रॉपर्टी जो शहीद होने वाला है उसको परिवार को हम देने का प्रयास कर पाए, ये सबसे बड़ा कदम जब तक सरकार नहीं उठाएगी इसका समाधान नहीं होगा। तो लगातार जो है बातचीत करने की प्रॉपर्टी को अटैच करो भाई, जो उनका सहायता करने वाले उनको अटैच करो भाई, जो उनको हथियार देने वाले उनको अटैच करो भाई। और जब तक प्रॉपर्टी अटैच नहीं करोगे, रास्ता दिखाने वालों पर कार्रवाई नहीं करोगे, उनकी प्रॉपर्टी को छीनोगे नहीं, तो ये सुधरने वाले नहीं है। माननीय उपराज्यपाल जी, आप बड़े मिलिटेंट मार रहे हैं लेकिन बीच में घटनाएं लगातार चल रही हैं, इसलिए यूपी मॉडल, जब तक उनकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं करोगे, जब तक उनको पकड़ करके जो सहायता करने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं करोगे और जो शहीद होने वाले हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी सौंपी जाए, ताकि इस तरह की घटना करने पर कोई भी आदमी दोबारा विचार न कर पाए। इनका